अभी हम ये करते हैं, ये जो सबसे अभी इजी चीज है ना वो हम करते हैं नेक्स्ट, हैंड एज अ डाउजर बोर्ड। देखिए अगर आपके पास डाउजर बोर्ड नहीं है ठीक है, तो आप अपने साथ ना एक डाउजर बोर्ड ऑटोमेटिकली कैरी कर रहे हैं। योर हैंड इज योर बेस्ट डाउजर बोर्ड। ठीक है कैसे करेंगे, देखिए आप इसमें ड्राइंग में देख ही रहे हैं, जो ये मिडल वाली फिंगर है आप इसको कह सकते हैं 50% है ना। अब आपको लेफ्ट से शुरू करना है या राइट से शुरू करना है वो आप अपना लगा लीजिए। सपोज कि थंब आपका 100% हो गया और आपकी स्मॉल फिंगर 0%, तो अगर आप ऐसे डाउजिंग करेंगे तो अगर सपोज आपको कुछ पूछने की व्हाट इज द कंडीशन ऑफ आपका किसी कि कितने, चलो बच्चों के कितने परसेंट मार्क्स आएंगे ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल अगर किसी बच्चे के आप एग्जामिनेशन होता है कितने परसेंट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल आपका ये इन हैंड नेचुरल एक डाउजिंग बोर्ड है, आप इसके ऊपर पक्का कर सकते हैं। अभी हम कोई एक कॉमन क्वेश्चन लेते हैं, आप में से कोई क्वेश्चन दीजिए और हम अपना ये हैंड डाउजिंग की प्रैक्टिस करेंगे। बताइए नीना जी, आप बताइए एनी क्वेश्चन। कुशज अब्रॉड जा रहा है, मेरा बेटा अब्रॉड जा रहा है क्या? ठीक है, तो आप सर इनके सन के लिए एक बार डाउज करके बताइए आप सबका रिजल्ट क्या आ रहा है। आप हैंड नीचे रखिए ठीक है, डाउजिंग यहाँ पर अपना 0.2 इंच ऊपर पॉइंट आना चाहिए आपके डाउजर का, पेंडुलम का। फिर उसके बाद वो पेंडुलम होके कहाँ रिजल्ट देता है आप बताइए कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नीना जी सन टू गो फॉर फॉरेन, राइट, फॉरेन लैंड। थंब की तरफ 100% लीजिएगा और स्मॉल फिंगर की तरफ 0% बेटा लीजिएगा। फॉरेन जाने ओके डन, %75 आ रहा है मेरा। वंडरफुल, मेरा भी 75% आ रहा है, वंडरफुल। और बताइए और किसका क्या आ रहा है? मैम मेरा पॉजिटिव तो क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूमने का क्या मतलब है? है, जा ही रहा है वो तो 100%। 75% ही आ रहा है, बहुत मैम हमारे पहले है ना क्लॉकवाइज घूम रहा था, अब 75 की तरफ चालू हो गया उसका। वंडरफुल। नीना जी जा रहा है भैया आपका बेटा ठीक है। मैम मेरा हेलो हाँ जी, मैम मेरा 80% आ रहा है, सेवेंटी अरे फाइव वाह, क्रॉस कर गया है। मैम मेरा 50% दिखा रहा है आपका 50% दिखा रहे, जी। ओके कोई मैम बात, मेरा भी 50%। आपका भी 50% दिखा रहे, और किसका दिखा रहे? मैम मेरा 75% इंडेक्स फिंगर को डिनोट कर रहा है। जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखिए क्या होता है, और एक चीज मैं आपको और बता रही हूँ, थोड़ा कोशिश कीजिएगा कि अपना जो ये है ना एल्बो है उसको टेबल पे ना रखिएगा ठीक है। टेबल पे रखने से क्या होता है कि वो ना एक ही डायरेक्शन मूव करेगा, आप टेबल पे नहीं रखेंगे ना तो वो किसी भी डायरेक्शन में जाएगा, वो जो होगा उस डायरेक्शन में जाएगा। टेबल पे रख के आप देखिए, आप डाउजिंग करिए टेबल पे रख के है ना, तो अपने एल्बो को टेबल पे रखिए तो देखिए कि वो एक ही पैटर्न फॉलो कर रहा है, लेकिन आप अपने एल्बो हटा देंगे तो देखिए वो अब जो होगा एक्चुअली उधर जाएगा। मैम एक खुशखबरी बताऊं, हाँ बताइए प्लीज। मैंने अभी पढ़ते पढ़ते ये सब करते करते ही मैंने एकदम से ये सोचा कि मैं अपना क्वेश्चन पूछ लेती हूँ। तो मैंने पूछ लिया कि मुझे हीलिंग के इसमें कितनी सफलता मिलेगी, तो 100% आ। अरे वाह वंडरफुल, वो तो मिलेगी मिलेगी, दैट इज तो गारंटीड। आप ये एडवांस करने के बाद क्या अभी से ही, अभी से आप लोगों का जो रिजल्ट आ रहा है 100% ही आएगा, सभी का आएगा, आई एम गारंटिंग यू ऑल ऑफ यू। मैम थैंक जी, यू मैम मैम। मुझे एक चीज क्लियर कीजिए, हाँ आप मेरा जो ये है हाँ मतलब इस जगह को मुझे सेंटर पॉइंट मानना है इस हाँ जगह जी को, ठीक है, उसके बाद मतलब ऐसे हाँ करके ब्राउजर को मतलब एक एक उंगली के टाइप नहीं मतलब नहीं नहीं डिरेक्शन में देखिए करना है ऐसा कुछ नहीं, अपने देखिए अपने आप होगा, आपने अपना पाम ऐसे रखा ठीक है, और जैसे इधर आप आया कहाँ है, दिखाई नहीं मिल रहा है। हाँ मेरा पाम देखिए ठीक है, हाँ 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 पाम आपने ऐसे टेबल पे रख लिया हाँ और इधर बीच में इधर रिस्ट के पास आप ये मिड में ले आए पेंडुलम हाँ को। अब आप उसे बोलिए, आपने पहले अपने अपने मन में पक्का कर लिया कि कौन सा परसेंटेज कौन सी फिंगर पे है, जैसे हमने थंब पे 100% तक किया और लिटिल फिंगर पे 0% से चालू किया, मिड फिंगर में 50% आ गया ठीक है। अब आपके ये डिमार्केशन मार्क हो गए,
अब आप क्वेश्चन पूछिए और देखिए कि अपने पेंडुलम से पूछिए तो वो कहाँ मूव कर रहा है, वो अपने आप उस तरफ मूव करेगा। देखिए मेरा अभी भी मैं पूछ रही हूँ तो वो मेरे 75% ही आ रहा है उस तरफ, इंडेक्स फिंगर की तरफ जा रहा था। टेबल पे रख के कीजिएगा कनिका जी, तब आपको इजी रहेगा। और ऐसे मत रखिए, ऐसे सामने रखिए, टेढ़ा नहीं एकदम ऐसे करके, हाँ ऐसे रखिए, राइट राइट नीचे रखिए टेबल पे। देखिए टेबल पे बेस होना चाहिए ना, हाँ बेस टेबल पे, जी जी ओके, चाहे टेबल पे रखिए या कोई भी फ्लैट सरफेस आपके साथ, मतलब ऐसे लटका हुआ नहीं रहना चाहिए। नहीं 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 नहीं, इट हैज टू हैव अ बेस। ओके ठीक है, आया টাচ করবেন, তুমি বলবে না, তুমি কোনো আঙ্গুলে না, মানে তুমি নিজে নিজে কিছু করবে না, তুমি অনলি কমান্ড দেবে, তুমি শুধু কমান্ড দেবে, কনিকা বলছি ঠিক আছে, তুমি খালি দাউজারকে কমান্ড দেবে, ও নিজে নিজে তোমার যে আঙ্গুলিটার দিকে রেজাল্ট সেদিকে চলে যাবে। হ্যাঁ আমি সেটাই বলতে চাইছিলাম, কারণ একটু আগে তাই হয়েছিল, আমি সেম প্যাডে করছিলাম তো হিন্দি মুঝে বেঙ্গলি নেই সমঝ আতি হ্যায়। ম্যাম থ্যাংক ইউ मैम, हम पे अब आपने मुझसे बोला कि एक क्वेश्चन पूछो, हाँ। मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि कुशल अब्रॉड जा रहा है या नहीं, हाँ। अब इसमें टाइम फ्रेम तो आया नहीं ना, जैसे कि कितने टाइम में जा रहा है या कैसे। वंडरफुल क्वेश्चन, अब आप ये पूछेंगे, देखिए अब परसेंटेज मत बनाइए, अब इसको ना 1 से लेकर 10 तक का बनाइए, ठीक है, 1 ईयर, 1 ईयर से लेकर, अब ये 3 ईयर्स कर दीजिए, ये 5 ईयर्स कर दीजिए, ऐसे इसको ऑड नंबर दे दीजिए, 7 ईयर्स और ये 9 ईयर्स। अब देखिए विद इन हाउ मेनी इयर्स कुशल इज गोइंग, 1.5 साल में जा रहे। मैम मेरे पास एक ऐसा चार्ट है, इसमें देखूं क्या? हाँ आप इसमें देख लीजिए, आपके देखो चार्ट है तो चार्ट में देख लीजिए, लेकिन मैं जैसे हैंड पे सिखा रही हूँ कि आपको चार्ट्स की भी जरूरत नहीं है, आप अपने हैंड से एक भी काम कर सकते हैं। फिलहाल आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, बाद में हमें चार्ट की प्रैक्टिस करनी ही करनी है। मैम 1.5 से 2 साल, हाँ 1.5 से 2 साल मुझे 1.5 साल दिखा रहा है, क्योंकि हमने अगर इसको 1 माना और इसको 3 माना, हाँ। तो बीच में आ रहा है इसके, तो 2 इयर्स हो गया, हाँ 2 इयर्स हो गया, राइट ठीक है, तो 1.5 से 2 साल। नीना जी मेरा भी यही आ रहा है मैम, जी जी 1.5 से 2 साल ही आ रहा है मेरा भी, 3 आ रहा है। आपको ऐसे देखिए, ये हम क्या कर रहे हैं, हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं, डाउजिंग करने के लिए आपको राइट क्वेश्चन फ्रेम करना आना चाहिए। आप डाउजिंग कुछ भी कर सकते हो, आप इसके बाद ना और आप कोई भी कौन से मंथ में आ रहे हैं, अब हमारे पास जो चार्ट्स होते हैं ना वो मंथ के चार्ट्स भी होते हैं, डे वाइज चार्ट्स भी होते हैं, वो एकदम आवर्स वाइज चार्ट भी होते हैं, सेकंड वाइज भी होते हैं, मतलब आप कुछ भी बना। मेरा भी लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर के बीच में आ रहा था पेंडुलम का डायरेक्शन, बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है सुनीता जी। तो मैम एक क्वेश्चन के लिए 2 क्वेश्चन, मतलब एक चीज को समझने, 10 मैम हम 10 क्वेश्चन कीजिए, आप अलग अलग क्वेश्चन करते रहिए जब तक आपको वो उसका आंसर, जैसे हम टैरो में भी तो यही करते हैं, है ना, टैरो में भी हम यही करते हैं, बार बार कार्ड्स निकालते रहते हैं। ओके मैम ओके, और ऐसे ही ये दिस इज द इजिएस्ट वे। देखिए अगर हमें जैसे कई बार मुझे सोचना डिसाइड करना होता है कि मुझे यहाँ जाना है नहीं जाना, मैं ये ले लेती हूँ मुझे जाना है यस नो, ठीक है ये काम करना है नहीं करना, ये करना है यस नो, पूरा एकदम डायरेक्शन होती है, और मैं ब्लाइंडली ट्रस्ट करती हूँ वो, इसलिए करती हूँ क्योंकि मुझे मालूम है मेरे हाथ में ना काफी हद तक ये रहता ही है अपने कोई भी डिसीजन लेने के लिए, ओके या तो हम हाथ से एनर्जी स्कैन करते हैं नहीं तो ये होता है। ओके मैम ठीक है, जी मतलब जैसे हमारी एनर्जी हम कैसे खुद स्कैन करेंगे अपनी एनर्जी, क्या करना है बताइए, क्वेश्चन बताइए। मुझे अपना ऑरा दिखना है कि मुझे अपने एनर्जी में कौन सा चक्र मेरा वीक है, मुझे उसमें काम करना है। तो ये नेक्स्ट क्लास में हमारी बॉडी हीलिंग शुरू हो जाएगी, हम सारे चक्रास पे काम करेंगे, सब अपने अपने ऊपर ही काम करेंगे, ठीक है, इसलिए कह रही हूँ ये वाला चार्ट सब ले लीजिएगा, या फिर जो मैं आपको अभी ग्रुप पे कर दूंगी इसका प्रिंट आउट, या आपके पास कोई भी चार्ट हो उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिएगा जिसमें सारे चक्रास बने हो, सारे ऑरा लेवल्स, मैंने बेसिक में भी आपको, हाँ हाँ वो ही निकाल लीजिएगा, उसके साथ अब हम काम करेंगे, ठीक है मैम। चार्ट कहाँ से मिलेगा हमें, आप गूगल कर लीजिए, नहीं डाउजिंग चार्ट का तो मैं पूरे PDF दूंगी आपको। अच्छा अभी काफी उनके पास है ना, कुलीग्स के पास, तो वो कहाँ से, पहले इन्होंने कोई कोर्स कर रखा होगा इन सबने, अच्छा, भी हो सकता है,
ठीक है, तो मैं आपको देती हूँ, डाल दीजिएगा क्योंकि हमारे पास भी नहीं है। जी जी मैम, मैं प्रिंट आउट निकल लूंगी तो फिर आप डाल दीजिएगा। डेफिनेटली मैं अभी ग्रुप में डाल रही हूँ, सारा पीडीएफ है, आप सारा निकाल लीजिएगा, ठीक है। और प्लस उसके वो तो एक सैंपल चार्ट है, फिर अपने आप भी कुछ भी बनाइए। लाइफ में इतने क्वेश्चन होते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो हमारा हाथ है ना, ये ऐसा डाउजिंग चार्ट है कि आप इसके ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। मैम हाथ को हमेशा हमें जमीन पे सरफेस पे रखना है। हाँ मतलब एक फ्लैट सरफेस पे रखना है, एक फ्लैट सरफेस पे, राइट।